हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, हम करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। और नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर रीडिंग देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, नेक्स्ट सेक्शन क्या हो सकता है। ओके, ये एक जनरल रीडिंग होगी और एक टाइमलेस रीडिंग होगी और सभी ज़ोडियक साइन के लिए होगी। आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, सेम जेंडर रिलेशनशिप में, सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, जब तक हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है और रीडिंग के साथ कनेक्ट करना है खुद को। ओके, और सबसे पहले मेजर और काना लेंगे, फिर हम लेंगे चारो डेक। ओके, तो जब तक हम रीडिंग स्टार्ट करें, एकदम पॉजिटिव हो जाइए, ऊपर वाले जल्दी आपके पार्टनर से आपका रीयूनियन करवाएं, और जो भी मैरिड हैं जल्दी साथ रहने लगे, और जो भी सिंगल हैं उनके पार्टनर से उनकी शादी हो जाए, जो भी जॉब ले सें ऊपर वाला उन सभी को अच्छी जॉब दे। ओके, और सभी के घर में, सभी की ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ हैं। जिनकी भी लाइफ में नेगेटिविटी और थर्ड पार्टी, सभी दूर चली जाओ, सब लोग बहुत 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 खुश रहें, और ये टाइम आप सभी की लाइफ में बहुत जल्दी आए। ओके, चलिए स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिए, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज और नेक्स्ट सेक्शन क्या हो सकता है उनके लिए, प्लीज़ हमें बताएं। द फूल, द स्टार, ओ कार्ड्स अलग अलग हैं, लेकिन देखा जाए तो मतलब आसपास एक ही है कार्ड्स का। ओ द हर्मिट, ओके, द एम्परर, ओ ओके, ओके, बहुत ही प्यारी एनर्जी है, बहुत ही प्यारी एनर्जी। द हेरोफेंट, स्ट्रेंथ, ओके, बॉटम में है डेथ। ओ, आप दोनों के बीच की जो दूरियां हैं ना, वो हमेशा के लिए ख़त्म होने वाली हैं। अगर यहाँ सेपरेशन देखा जाए तो चल ही रहा है आप दोनों का, ठीक है, तो अब क्या ख़त्म होने वाला है, सेपरेशन ख़त्म होने वाला है। ओके, चलिए अब करते हैं हम आपकी रीडिंग स्टार्ट। ओके, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे चारो डेक। स्प्रिट हमें डिवाइन गाइड कीजिए, हमारे यूनिवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है, और आगे क्या है इस रिश्ते में, प्लीज़ हमें बताएं। जो भी ऑब्स्टिकल ब्लॉकेजेस हैं उन्हें दूर करते हैं। सेवन ऑफ कप्स, ओके, द फुल क्यों आया है, सेवन ऑफ कप्स क्यों आया है करंट एनर्जी और नेक्स्ट सेक्शन में। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स, ओके, लॉट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ओके, द स्टार क्यों आया है, द स्टार क्यों है करंट एनर्जी और नेक्स्ट सेक्शन में, द स्टार क्यों आया है। पिक्चर ऑफ कप्स, ओके, ओके, एक मिनट गाइस, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, द हर्मिट, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, ओके, करंट एनर्जी में द हेरमिट क्यों आया है, क्यों आइसोलेट किया हुआ है हमारे व्यूअर्स के पार्टनर ने खुद को, प्लीज़ हमें बताएं क्या चल रहा है हमारे व्यूअर्स के पार्टनर के दिमाग में और दिल में। ये चल रहा है, ओके,
द हर्मिट एंड सिक्स ऑफ सोच क्यों आया है करंट एनर्जी नेक्स्ट सेक्शन में, प्लीज़ हमें बताएं। नेक्स्ट सेक्शन करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स। टू ऑफ वॉन्ट्स, ओके, द एम्परर क्यों आया है, कब तक आ सकते हैं पावर में। द एम्परर को क्लियरिफाई किया है द एम्परर ने। ओके, एम्परर क्यों आया है दोबारा, ठीक है। ओके, द हेरोफेंट क्यों है, एस ओ वांट्स, द लवर्स, ओ वाओ, द स्ट्रेंथ क्यों आया है, म्यूचुअल लव। द हाई प्रिस्टेस, ओके, एक ही कार्ड है ना, ओके, स्ट्रेंथ द हाई प्रिस्टेस करंट एनर्जी नेक्स्ट सेक्शन में क्यों आया है, बहुत ज़्यादा है ये कार्ड्स। द फूल, ओके, द फूल की एनर्जी दो बार आई है हमारे पास, ओके, तो यहाँ पर या तो आप रिश्ते से निकलना चाहते हैं, आपको लगता है कि कुछ ऐसी एनर्जीज मिल जाएं मुझे जो मैं मूव ऑन हो जाऊं, लेकिन मैं क्यों अपने पार्टनर को भूल नहीं पा रहा या भूल नहीं पा रही, ये एनर्जीज हैं आप लोगों के। और आपके पार्टनर जिस भी बंधी हुई सिचुएशन में है उससे निकल कर आपकी तरफ आना चाहते हैं, आप दोनों ही, आप इस रिश्ते में अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं कि आपको ऐसी पॉजिटिव एनर्जीज चाहिए कि चलो छोड़ो अब मैं यहाँ से मूव ऑन होना ही चाहता हूँ या चाहती हूँ, मुझे नहीं रहना अब इस रिश्ते में, लेकिन क्या करूँ अपने पार्टनर को भूल नहीं पा रहा हूँ। अगर आपको कोई ऐसी एनर्जीज मिल जाती हैं तो कहीं ना कहीं आप ये एक्शन ले सकते हैं कि आपको निकलना है बस इस रिश्ते से, कि अब उसको आना है तो आए, नहीं आना तो कोई बात नहीं, मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, कुछ इस तरीके की एनर्जीज हैं, ओके। और आप मूव, कुछ मेरे कुछ व्यूवर्स हैं जो मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं, ओके, और आपके पार्टनर जो हैं जिस भी सिचुएशन में वहाँ से बहुत ज़्यादा निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं आपकी, ओके। द फूल, आपके पार्टनर ना जिस भी सिचुएशन में वहाँ से निकल के आपके साथ आने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उन्होंने पास्ट में आपको ये बोल दिया था ना कि चलो अब रिश्ता नहीं रह सकता, हम आगे नहीं बढ़ सकते, नई शुरुआत नहीं कर सकते, तुम उससे कमिटमेंट की उम्मीद मत रखना, मतलब प्यार किया था उस टाइम तो सारे प्रॉमिसेस थे, उसके बाद में अपने आप कुछ हो गया, उनको कुछ हो गया, ये हुआ उनके दिल दिमाग में, उनको आप में कमियां नज़र आने लगी, उनके दिमाग में पैसों का लालच आ गया, उनके दिमाग में समाज का लालच आ गया, उनके दिमाग में स्टेटस का लालच आ गया, ये सब चीज़ें आ गई आपके पार्टनर के। लेकिन ऊपर वाला ना बहुत अलग चीज़ें करता है जो हम सोच भी नहीं सकते ना, वो ऐसी चीज़ें करता है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपके पार्टनर के दिमाग में आई थी जो कहीं से कहीं तक भी सही नहीं थी, ठीक है। ऊपर वाले ने
आपके पार्टनर को आपकी ज़रूरत डालिए। वो फाइनेंशियली लॉस में है इस टाइम पे, वो हेल्थ वाइज बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो ठीक हैं तो आने वाले कुछ समय में देख लीजिएगा कि कुछ तो उनकी लाइफ में ऐसा होगा, ऊपर वाला कुछ ऐसा करेगा कि उन्हें आपकी याद आएगी। उस टाइम पर वो ये जो सब चीज़ें थी ना, जो लोग उन्हें ये सब चीज़ें दिखा रहे थे, खूबसूरती, पैसा, झूठा प्यार, स्टेटस, समाज, जिसकी वजह से उन्होंने आपसे दूरियाँ बनाई थी, वो सब उन्हें छोड़ देगा और उन्हें कौन याद आएगा? आपके आपका साथ, आपका वो प्यार जो आपने बिना किसी लालच के किया था। आप अपने पार्टनर का साथ देना चाहते थे हर उस सिचुएशन में, भले से वो उनके पास जॉब नहीं थी, आप फिर भी उन्हें प्यार कर रहे थे। वो फाइनेंशियल लॉस में थे, फिर भी आप उन्हें प्यार कर रहे थे। वो बार बार बीमार पड़ रहे थे, फिर भी आप उन्हें प्यार कर रहे थे। वो आपको टाइम नहीं दे रहे थे, फिर भी आपने उन्हें प्यार किया, ठीक है। वो आज धोखा दे के चले गए, फिर भी आप उनका वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्हें ये सब चीज़ें ना लेकर आएंगे आपके पास। मुझे यहाँ पर आज की रीडिंग में पता नहीं ऐसी एनर्जी लग रही है कि आपके पार्टनर के कर्माज उन्हें मिल रहे हैं। ओके, ये रीडिंग करंट फीलिंग्स के एंड नेक्स्ट सेक्शन के लिए, लेकिन आपके पार्टनर के कर्माज मुझे जो कार्ड एनर्जीज दे रहे हैं, कार्ड कहे क्या रहे हैं वो बात तो अलग है, लेकिन आज जो मुझे इस कार्ड से एनर्जी मिल रही है वो ये एनर्जी है कि आपके पार्टनर को आपके उनके कर्माज मिल रहे हैं। अगर उन्होंने बिना किसी रीज़न के आपको छोड़ दिया था ना गाइस, थोड़ा और वेट करो, भले मूव ऑन होना है हो जाओ भले से, लेकिन आपको ये चीज़ सुनने को ज़रूर मिलेगी कि देखो मतलब आपके साथ ही नहीं, ये नहीं सोचना चाहिए था कि किसी ने हमारे साथ बुरा किया तो देखो उसके साथ बुरा हो रहा है तो ठीक है, अच्छा है, ऐसा नहीं है। लेकिन प्यार और फिर उसके बाद में धोखा, तो उन्होंने अपने कर्माज ख़राब किए, आपको धोखा दिया, आपका दिल दुखाया, तो ये उन्होंने कहीं ना कहीं अपने कर्माज लिख लिए। ओके, तो क्या हुआ, उनके साथ वही चीज़ें रिपीट होंगी। उनको उनको कुछ लोग ऐसे सपने दिखाएंगे, आपके पार्टनर को कुछ लोग इस तरीके के सपने दिखाएंगे, बहुत प्यार, मीठी बातें, पैसा, घर, खूबसूरती, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई वो नहीं देख पाएंगे। उनके जब दिमाग में सच्चाई आएंगी ना, तो वो आपको याद करेंगे, आपका साथ याद करेंगे, फिर उन्हें याद आएगा कि वो आपके साथ शुरुआत करें। या तो ये होने वाला है बस कुछ और दिन, या फिर उनके दिमाग ज़िंदगी में चल रही हैं ये सब चीज़ें। तो द फूल का कार्ड दो बार शायद इसलिए आया है हमारे पास कि उनकी चीज़ें बहुत जल्दी होने वाली हैं। ओके, तो आप लोग ना शांत रहिएगा, मैं हमेशा रीडिंग में यही कहती हूँ, शांत रहिए। ऊपर वाले में भी तो छोड़कर देखिए, वो सब कुछ ना कुछ तो वो ऐसा कर ही देगा जिससे आपके दिल को सुकून और खुशी मिलेगी। मतलब आपके पार्टनर आएंगे ज़रूर आपके आपके लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये देख पाएंगे कि मतलब इससे हमें भी सबक मिलता है सबको कि किसी का नाजायज दिल नहीं दुखाना चाहिए। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते मत जाओ ना, लेकिन अब वो चले गए, आपको आपके साथ शादी भी कर ली, फिर थर्ड पार्टी भी है, फिर उन्हें बाद में जाके 10 साल बाद ध्यान आ रहा है कि समाज है, फैमिली है, तो स्टार्टिंग में प्रपोज़ या फिर हाँ इसीलिए बोलना चाहिए था कि भाई हम आगे बढ़ सकेंगे या नहीं, है ना। तो ये इस कार्ड मुझे आज ये एनर्जीज दे रहे हैं। द स्टार तारा माँ की ब्लेसिंग से आप तारा माँ का मंत्र चैंट कर सकते हैं, ओम तारे तम सोहा। और यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में देखिए द फुल की एनर्जी भी है, और सेकेंड कार्ड भी हमारे पास न्यू बिगनिंग का आया है, ठीक है। तो आपके रिश्ते में नई से शुरुआत तो होगी, आपके पार्टनर का एक कार्मिक साइकिल चल रहा है वो एंड हो जाएगा और आपके पार्टनर को वहाँ आपका प्यार याद आएगा और वो आपको एक लकी चार्म मानेंगे, आपको एक पॉजिटिव पर्सन मानेंगे और आपकी लाइफ में वापस लौट कर आ जाएंगे और खुद आगे से प्यार ऑफर करेंगे। इसलिए मैंने भी आपको स्टार्टिंग में बोला कि आप थोड़ा सब्र रखिए, बहुत सब्र किया है लेकिन थोड़ा सा और खींचे, फिर आपके पार्टनर आपको लकी चार्म मानेंगे, आके अपना प्यार ऑफर करेंगे और अपने दिल की सारी भड़ास आपके ऊपर आकर निकाल देंगे कि भैया देखो मैंने ऐसे ऐसे किया था, भैया नहीं सॉरी मैंने ये सब गलत किया था, लेकिन देखो जिनकी वजह से मैंने किया ना, वो उन्होंने मेरे साथ धोखा किया, मेरे अपनों ने मेरे साथ धोखा किया, जिसके साथ मैंने पार्टनरशिप की उसने धोखा दिया मुझे, ठीक है, मुझे जॉब से रिज़ाइन करना पड़ गया, मेरी फैमिली वालों ने मेरी बात नहीं समझी। अगर मैं टाइम की कहूँ ना, अप्रैल मार्च अप्रैल में हो जाएगा ये, अप्रैल में जब एकदम गर्मी वाली चीज़ होती है ना, एकदम समर होता है, बहुत तेज़ वाली गर्मी होती है, मुझे उस टाइम पे आपके पार्टनर ना पता नहीं क्यों आपकी तरफ आते हुए बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। तो कुछ इतना वेट किया तो कुछ दिन और वेट कीजिए। ओके, आपके पार्टनर की सभी जगह पर झगड़े हो रहे हैं, सभी जगह मतलब कोई थर्ड पार्टी है, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, कॉलीग्स हैं, ओके, बिजनेस पार्टनर्स हैं, इवन है ना वो गुस्से में आकर अपने नेबर्स के साथ भी झगड़ा कर लेंगे। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है मेजर और कान सदा हेरमेट। आपके पार्टनर इस वक्त बहुत गुस्से में है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है कि वो गुस्से को शांत करने की वजह से या तो डॉक्टर ने उनको जिम जाने के लिए बोला कि वो अपने आप को शांत करें, योगा, मेडिटेशन, कुछ तो ऐसी चीज़ कर रहे हैं कि जिससे उनका ध्यान थोड़ा सा
इधर उधर हो जाए, मन शांत हो जाए, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा है। क्यों समझ नहीं आ रहा है? क्योंकि जब उनकी अवेकनिंग चलेगी, जब एक कार्मिक साइकिल पूरा होगा ना, तो उन्हें आपकी याद आएगी, इसलिए सारी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में हो रही हैं। ओके, क्योंकि ऊपर वाला उन्हें आपके पास लेकर आना चाहता है। यहाँ पर सिक्स ऑफ सॉर्ड्स है। रिश्ते में जितनी भी आप दोनों के बीच में ऑब्स्टिकल्स, ब्लॉकेजेस थे, जितनी भी दूरियाँ थी, वो सब ख़त्म हो जाएंगी। आप लोगों ने अगर किसी को ऑनलाइन डेट किया है तो वो पार्टनर आपसे मिलने के लिए आ सकता है बहुत जल्दी, और या फिर एक कोई नया पर्सन आ सकता है जिसके साथ आप ऑनलाइन अट्रैक्ट होंगे, ऑनलाइन बातचीत हो जाएगी आप दोनों की। कुछ ये एक चैनल मैसेज था जो मैंने आपको दिया। द हेरमिट, आपके पार्टनर अगर पावर में आएंगे, अब एक्शन नहीं लेते थे ना, तो अब एक्शन लेंगे आपकी तरफ, पावर में आएंगे, आपके ख़िलाफ़ जो, इस रिश्ते के ख़िलाफ़, आपके ख़िलाफ़ जो लोग बात करते थे उनके सामना करेंगे आपके पार्टनर। द एम्परर के साथ है, द एम्परर इस वक्त आपके पार्टनर वाकई बहुत ज़्यादा गुस्से में, इसलिए हेरमिट भी आया है कि उन्होंने खुद को आइसोलेट किया हुआ है कि किसी के साथ कुछ गलत ना कर जाएं। इस वक्त वो बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने सबके लिए इतना ज़्यादा कुछ किया और आज मुझे जब ज़रूरत पड़ रही है तो कोई मेरे साथ नहीं है। उनकी लाइफ में ये सिचुएशन आ ही रही है या तो आ चुकी है, ठीक है, तब उन्हें कौन याद आएगा? वो बातें, वो प्यार जो उन्होंने, वो प्रॉमिसेस जो उन्होंने आपके साथ किए थे, शादी के, शादी करके आपको अलग कर दिया था, खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ली, तो अब आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। उनकी लाइफ में तो आएगा ही, या आपके लिए है कि वो आपके साथ जो शादी के प्रॉमिसेस किए थे। द हेरोफेंट, आपके पार्टनर आपके पास पड़ेंगे, आपको क्या करना है, अपने सेवन चक्रास को बैलेंस करना है। ये सेवन चक्रास बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं बैलेंस होना हमारी लाइफ में। हमारी लाइफ के जो ऑब्स्टिकल्स, ब्लॉकेजेस होते हैं, वो कहीं ना कहीं रिमूव हो जाते हैं यहाँ पर बैलेंस होने से। एस ऑफ वांड्स, इस रिश्ते में शादीशुदा है तो देखिए मज़बूती आएगी, और अब आपके पार्टनर शादी करने आ रहे हैं आपसे एक कमिटमेंट लेकर, एक मज़बूत, एक ऐसा कमिटमेंट लेकर जो आप दोनों को कभी अलग नहीं करेगा, कभी अलग नहीं करेगा, आप दोनों को हमेशा के लिए एक कर देगा। आपके पार्टनर को कि अवेकनिंग चल रही है, कार्मिक साइकिल पूरा हो जाएगा, बहुत जल्दी आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे। मैं समझती हूँ कि आपने बहुत ज़्यादा वेट किया है, अब आप लोगों से इंतज़ार नहीं होता। आप लोग कहते हैं मैम बहुत समय हो गया हमें, काफ़ी सारे मैसेजेस ऐसे आते हैं, फिर लोग नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा काम है गाइड करना और आप लोग के लिए रीडिंग करना, वो तो मैं करती ही रहूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा मैं कमेंट सेक्शन ऑफ कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ, क्योंकि आप लोग भी क्या होता है, जब कोई नेगेटिव कमेंट करता है ना, उसको रिप्लाई नहीं करते, यहाँ मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती हूँ। आप लोग को अगर कोई मतलब कोई ऐसा पर्सन आकर कुछ नेगेटिव बोलता है तो, या फिर देखिए यहाँ पर बहुत सारे बाबा लोगों के मैसेजेस आते हैं, वो मैसेजेस मैं आप लोगों तक पहुँचने ही नहीं देती, क्योंकि वो चीज़ें आप लोग के लिए गलत होंगी। वो पहले ही डिलीट, जैसे ही कोई मैसेज करता है मेरे पास नोटिफिकेशन आता है, मैं डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके। तो आपके पार्टनर आपको मिस तो बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे, उनको बस थोड़ी सी दूरियाँ हैं, थोड़ा सा समय बचा है आप दोनों का रीयूनियन होने में, आप दोनों की साथ होने में, तो कुछ और टाइम है। या आपकी, देखिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स हैं आपके लिए कि वो शादी करना चाहते हैं, इस रिश्ते में मजबूती लाना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके साथ मिल जाना चाहते हैं, आपको अपना बना लेना चाहते हैं आपके पार्टनर, ओके। तो ये एनर्जीज बहुत खूबसूरत है। स्ट्रेंथ, आने वाले समय में आपके पार्टनर को भी गॉड स्ट्रेंथ देंगे, जो भी सिचुएशन है उससे निकलने के लिए उनकी अवेकनिंग हो रही है, ओके। और म्यूचुअल लव होगा आप दोनों के बीच में यहाँ पर। द हाई प्रेस्टेज, आपके पार्टनर जिस तरीके से, आप थोड़ा रिलीजियस हो रहे हैं, गॉड में बिलीव कर रहे हैं, एंजल्स में, एंजल नंबर्स में, टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं आप लोग, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, और आपके पास कुछ ना कुछ ऐसी नेगेटिव पॉजिटिव आपके पार्टनर आकर आपको बातें बता सकते हैं, जिस पर आपको थोड़ा सा गुस्सा आ सकता है, आप अपसेट हो सकते हैं, लेकिन वो आपके प्यार की नई शुरुआत होगी। अगर वो कुछ चीज़ नेगेटिव बताते भी हैं आपको, तो आप थोड़ा सुनने की कोशिश कीजिएगा, समझिएगा, आप सोचिएगा कि एक इंसान गलत रास्ते पर था, वो सही रास्ते पर आया, तो उसे किस तरह से गाइड करेंगे आप, उस तरीके से आप उनसे बात कर सकते हैं, क्योंकि वो जो सारी बातें होंगी वो इस रिश्ते की नई शुरुआत के लिए होंगी। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने होंगे और इस रिश्ते की नई शुरुआत के लिए आपको बात करनी होगी अपने पार्टनर से, वो भी बिल्कुल मन शांत करके। यहाँ पर हम एनर्जी ओरिकल देख से देखते हैं क्या ही एनर्जी, क्योंकि मुझे भी देखना है आपके पार्टनर के और एनर्जीज क्या हैं आपके लिए। स्प्रिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिए, हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, क्या चाहते हैं वो, और बताइए प्लीज़ हमें। देखिए आपके पार्टनर ने थोड़ा सा सब्र रखा हुआ है, आप भी थोड़ा सा सब्र कीजिए। आज मैंने ये लाइन बहुत ज़्यादा बोली है, तो एंजल्स ने हमें यही काट दिया है कि थोड़ा सा और सब्र, सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। अप्रिसिएशन, आपके पार्टनर जब आपके पास आएंगे तो, और मुझे ऐसा लग रहा है, बताएं आज इस कार्ड से, कि आपके पार्टनर ने रिसेंटली किसी से बात किया है आपके बारे में, बहुत पॉजिटिव बात की है, आपको अप्रिशिएट किया है, या तो आपके करियर को लेकर, जिस तरह आप उनका साथ देते हैं, या जिस तरह से आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं, ये चीज़ आपके पार्टनर को बताएं, तो किसी से बात की है आपके पार्टनर ने आपके लिए, कि वो पर्सन अभी भी मेरा वेट कर रहा है, शायद वहीं से उन्हें गाइडेंस मिली है कि वो आपकी तरफ आएँ।
ऊपर वाला किसी को तो भेज देता है एंजल बना के हमारी ज़िंदगी में, जो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, जो हमें हेल्प करता है। तो यही ऐसा कोई पर्सन आएगा आपकी लाइफ में। फोर चक्र आर्कएंजल राफेल, मैंने अभी शायद बताया था आपके पार्टनर की अवेकनिंग चल रही है, उनके हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, ब्लॉक था शायद आपके पार्टनर का हार्ट चक्र। ओके, आपके पार्टनर मैंने अभी फिर से थोड़े रिलीजियस हो रहे हैं, गॉड पे बिलीव करने लगे हैं, और गॉड पे बिलीव करते थे तो और ज़्यादा बिलीव करने लगे हैं। ओके, ओह हमारे पास दो कार्ड्स हैं, एंजल ऑफ बैलेंस, एंजल्स बैलेंस लेके आएंगे। ओके, आपके पार्टनर की लाइफ में, क्योंकि उनके पार्टनर आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स चल रहे हैं, तो बैलेंस आएगा तभी तो वो आपके पास आएंगे। द वर्ल्ड, आपके पार्टनर की विश बन चुके हैं आप, और वो अपनी विश पूरी करने बहुत जल्दी आपके पास लौट कर आएंगे। यहाँ पर भी है सेवन चक्र आर्कएंजल यूरियल, एंजल्स आपके साथ हैं गाइस। इस रिलेशनशिप में सभी कुछ पॉजिटिव होगा, तो आपको थोड़ा और पेशेंस रखने हैं, थोड़ा और सब्र कीजिए, बहुत जल्दी सब कुछ अच्छा होगा। तो ये थी आज की हमारी रीडिंग और आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट सेक्शन। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, पसंद आए तो प्लीज़ अपना बहुत ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप जीमेल पर मेल कर सकते हैं, जीमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, बाय बाय।